हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। हम ये सीरीज लेकर के आए हुए हैं जिसमें अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके केवीएस टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और उसी सीक्वेंस में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो ही है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये चैप्टर का नेम है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्लास टेंथ का ये चैप्टर है। और इस बुक के बारे में या स्टोरी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो अबाउट द ऑथर पहले सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद इस जो स्टोरी है उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा इस सेम चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपके केवीएस टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में इंक्लूडेड है और क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबको जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं सबको समझना, उनके एमसीक्यूज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हो, एनी फ्रैंक का पिक्चर है। तो इनसे रिलेटेड ये स्टोरी क्या है, किससे रिलेटेड है, डायरी कैसे लिखी उन्होंने, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो अबाउट दी डायरी, सबसे पहले उस डायरी के बारे में बात करेंगे और उस ऑथर के बारे में बात करेंगे, मीन्स एनी फ्रैंक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये डायरी लिखी है। तो ये क्या है, डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसका जो नेम है वो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल है, डायरी है जो कि एनी फ्रैंक ने लिखा है, जिसको हम जानते हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नेम से। ओके, दिस इज अ बुक ऑफ द राइटिंग्स फ्रॉम द डच लैंग्वेज डायरी केप्ट बाय एनी फ्रैंक व्हाइल शी वाज इन हाइडिंग फॉर 2 years विद हर फैमिली ड्यूरिंग नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड। नेदरलैंड में नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम पे जब 2 साल इनको अपनी फैमिली के साथ छिपके रहना पड़ा, उस टाइम पे डायरी लिखी थी एनी फ्रैंक ने, जो कि डच लैंग्वेज में लिखी गई ये डायरी है। और ये किस लिए लिखा था, बिकॉज सी वॉज फीलिंग लोनली, और इसी वजह से ये डायरी उन्होंने लिखी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किसी से अपनी चीजों को शेयर नहीं कर सकती हूँ, एंड दैट्स वाई डायरी इज अ वे जहां पे मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ, अपनी चीजों को शेयर कर सकती हूँ, और वो जो आने वाले टाइम में कोई पढ़ेगा तो मेरी चीजों को समझ सकेगा या मुझे समझ सकेगा। ऐसी थिंकिंग के साथ में इन्होंने एक फ्रेंड, आप कह लो कि डायरी को उन्होंने एज अ फ्रेंड बनाया और उसमें अपनी बातों को, अपनी जो फीलिंग्स थी, अपनी जो सफरिंग्स थी, अपनी जो उन्होंने फेस किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड, उसके बारे में उन्होंने बात की है, उसको उन्होंने शेयर किया हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो टाइफस रोग की वजह से इनका की डेथ हुई थी एन फ्रैंक की, जबकि 15 साल की उम्र की थी, मतलब बहुत ही छोटी थी एनी फ्रैंक जब इन्होंने ये डायरी लिखी थी। बर्टलिन वेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 1945 में इनकी डेथ हुई थी। एंड एनीज डायरीज वर रिट्रीव्ड बाय मैप गेज एंड वेब वोस्कुजिल, मैप गिव देम टू एनीज फादर ओटो फ्रैंक। तो ये पूरा सिनेरियो था कि कैसे इनकी डायरी इन्होंने लिखी और किस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी, 15 ईयर्स की एज पे इनकी डेथ हुई थी 1945 में। और वो डायरी जो थी वो अननोन थी, कोई उसको जानता नहीं था, लेकिन जब उसमें उसको इन दो लोगों को मिली जब वो डायरी, मैप गेज एंड वेब वोस्कुजिल, तो इन्होंने वो डायरी किसको दी, उसके फादर के को दी, जो जिनका नेम था ओटो फ्रैंक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा फादर का नेम क्या था, ओटो फ्रैंक। ओके, आगे है द डायरी रिसीव्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिकल एंड पॉपुलर अटेंशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ इट्स इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से इसको पब्लिश करा गया, ये नाम पूरा था एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाय डबल डे एंड कंपनी यूनाइटेड States and Valentine Michel United Kingdom in 1952 में, means उसके उनकी death के कम से कम 7 साल बाद ये diary publish हुई, English language में publish हुई। इसके साथ ही साथ ये over and above 70 languages में ये publish हुई है ये diary, और बहुत ही popular diary है ये जो कि Annie Frank ने लिखी हुई है, because she was so young to write a diary and that's why उसमें किस तरीके से बारे में बात की है, किस तरीके से लिखा हुआ है, उसको सबके बारे में बताया गया है। और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था लैंग्वेज में वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और लोगों का अटेंशन एक तरीके से गेन किया इस डायरी ने, जिसको पब्लिश करा गया था एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नेम से 1952 में। इसके साथ ही साथ अगर इस लेसन की बात करें, दिस लेसन इज एन एक्सर्ट
फ्रॉम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो लेसन की बात करते हैं, और द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो स्टोरी बताई गई है 10th की बुक में, इस चैप्टर में, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो स्टोरी उन्होंने उस डायरी में बताई हुई है, उस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, वो क्या है, एक तरीके का अंश है इनकी डायरी का, जिसमें उन्होंने एक इंसिडेंट को डिस्कस करते हुए कि एक स्टोरी को, उस पूरे जो ऑटोबायोग्राफी थी या पूरा जो एक पूरी डायरी थी उसके एक पार्ट को लिया गया और इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया, 10th क्लास की चैप्टर में, और आपके सिलेबस में ऑब्वियसली केवीएस के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1947 एंड फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुई थी 1947 में पब्लिश हुई थी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिकेशन की बात करते हैं तो 1952 में पब्लिश हुई है। इन दिस एनी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी व्हिच वाज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे। सी नेम्स द डायरी किटी, किटी नाम दिया था इस डायरी को। और क्या था, जब उनका 13वां साल का जन्मदिन, मीन 13वीं साल में उन्होंने प्रवेश किया था, 13th बर्थडे में इनको ये डायरी एज अ गिफ्ट मिली थी, जिसमें उन्होंने अपने फीलिंग्स को शेयर की, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, और दैट वाज एन ऑटोबायोग्राफी, आप एक तरीके से कह लो ये एनी फ्रैंक का ऑटोबायोग्राफी था, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और वो एक पार्ट इंक्लूडेड है सिर्फ उस पूरी डायरी का, एक अंश, एक स्टोरी को लिया गया है, और जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बात की है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात की है, उस पार्ट को इस स्टोरी में इंक्लूड किया गया है। चलिए उस स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और हमारे यूपी टीजीटी के, केवीएस टीजीटी के सिलेबस में पूछा जाएगा। इन दिस लेसन एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली ऑफ 30। दस सी टेक्स द डिसीजन टू राइट इन हर फीलिंग्स इन अ डायरी। जो उनको 13th बर्थडे पे डायरी मिली थी, उसको क्या करती है, वो सोचती है कि मैं इसमें अपनी जो मेरी फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, जो मेरा, मैं लोनली और फील कर रही हूँ, इवन देर आर सो मेनी पीपल इन माई फैमिली, देर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो हु आर लाइक अ फैमिली, बट मैं अपनी चीजों को, अपनी बातों को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, और इस फीलिंग के साथ में उन्होंने डायरी लिखने का निर्णय लिया, डायरी लिखना स्टार्ट किया, जो उनको उनकी 13वीं बर्थडे पे मिली हुई थी। और क्या नाम दिया उसको, सी decides to name her diary Kitty. Kitty नाम उसको दिया, ये बहुत important है, ध्यान दीजिएगा। She starts with writing her background to make it easier to understand for anyone who reads it later. और उन्होंने क्या किया, ये डायरी जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, अपना एक तरीके से बैकग्राउंड पूरा बनाया कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी फैमिली क्या है, मेरी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बात की, कि जो कोई बाद में इस डायरी को पढ़ेगा तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट वाज माय बैकग्राउंड एक्चुअली, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली में कौन कौन से लोग हैं और मेरी क्या लाइफ है, इस बारे में लोगों को आइडिया होगा। तो उन्होंने पहले एक ऐसे बैकग्राउंड क्रिएट किया अपनी डायरी का, मीन्स अपनी स्टोरी का, अपनी ऑटोबायोग्राफी का। सी डिस्क्राइब्स हर फैमिली एंड अर्ली चाइल्डहुड व्हेन दे ऑल माइग्रेटेड हर अर्ली स्कूलिंग। और उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जब वो माइग्रेट हुए थे उस बारे में बात की, अपने माइग्रेशन के बारे में बात की, और इवन अपनी अर्ली स्कूलिंग के बारे में बात की, क्योंकि 15 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी। एंड आगे हम बात करते हैं अब उनकी स्टोरी के बारे में, जो ही उन्होंने इस चैप्टर में लिया गया है, उस स्टोरी को बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। After giving a brief account of her background, she comes to the present day where she tells us about the result day. अब क्या है, अपने स्कूल के बारे में उन्होंने बात की, जब पूरा बैकग्राउंड एक फैमिली का, एक अपने आसपास के एनवायरमेंट का, सराउंडिंग का, माइग्रेशन का, चाइल्डहुड का, जब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, बता दिया उसको, उसके बाद में बारी आती है कि वो अपने प्रेजेंट डे का बात कर रही है, उस दिन की बात कर रही है जब उनका रिजल्ट आने वाला था, उस दिन के बारे में उन्होंने बताया। Everyone in the class is nervous. सभी लोग nervous थे class में। ये story है from the diary of the Anne Frank की। Their result and boys are even making bets. क्या था? लड़के जो थे class के Anne Frank के, means सभी students थे nervous थे और अपने result को लेकर के, कि मेरा result क्या होगा, कैसा मैं performance किया हूँ, ये सब कुछ पता चलेगा इस result में। और जो लड़के थे इसकी class के, Anne Frank की class के, वो क्या bet कर रहे थे कि कौन, means एक तरीके से सट्टा लगा रहे थे कि कौन टॉप करेगा, किसके कितने मार्क्स आएंगे, ये डिस्कशन, मैटर ऑफ डिस्कशन था उस टाइम पे, जिसको इन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। एनी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड्स। एनी का क्या था कि एनी बहुत श्योर थी कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी इस एग्जाम में, और वो अपनी फ्रेंड्स को लेकर भी बहुत श्योर थी कि मेरे फ्रेंड्स भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उनका रिजल्ट भी ओवरऑल अच्छा आएगा। सी हैड अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स प्रोफेसर।
तो ये पूरी स्टोरी क्या है, इन्हीं के बेस्ड ऑन है, इन्हीं पे ऊपर है, मैथ्स प्रोफेसर पे बेस्ड ऑन है। वो क्या कहती है कि मेरा पूरा इक्वेशन जो था, बताती है अपनी स्टोरी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब वो उस दिन के बारे में, रिजल्ट डे के बारे में डिस्कस कर रही होती है, तो कहती है कि मेरा इक्वेशन जो था, मतलब मेरा जो एक तरीके सा क्या एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, सभी टीचर्स के साथ में मैं अच्छी थी, मीन्स एवरी टीचर लाइक्स मी एक्सेप्ट माय मैथ टीचर, मीन्स सिर्फ मैथ के टीचर को छोड़ करके बाकी सब मुझे बहुत पसंद करते थे, सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सभी टीचर्स के साथ में, क्योंकि मैथ से एनी फ्रैंक को फियर था, इसी वजह से वो थोड़ा सा मैथ्स के टीचर उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और क्या हुआ आगे उसके बारे में बात करते हैं। हु वॉज कॉन्स्टेंटली एनॉयड एट हर फॉर हर टॉकिंग हैबिट मीन्स टॉकेटिव थी एनी फ्रैंक, जो अगल बगल स्टूडेंट्स हुआ करते थे अपने कोलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, तो ये एनॉय करता था एक तरीके से, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता था किसको, मैथ्स के टीचर को, मैथ्स के प्रोफेसर को। Thus he started giving him punishments in form of essays on weird topics such as chatterbox. बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो वियर्ड, एक तरीके से अजीब तरीके के टॉपिक्स में उन टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने इसको पनिशमेंट देना स्टार्ट, और पनिशमेंट में इसको फॉर्म ऑफ एसेज के मिलते थे, एसेज लिखने को होता था किस पे, वियर टॉपिक्स पे, सच एज chatterbox. टू विच सी रिप्लाइड विद हर फुल विट, और उसको उसने क्या अपने फुल विट के साथ में उसको रिप्लाई भी किया अपने टीचर को, जो मैथ्स के प्रोफेसर थे उनको, ऐसे पूरा लिख के दिया उस चैटर बॉक्स पे। सी रोट एसेज दैट वर फनी एंड एक्सप्लेन्ड दैट सी वाज अ ट्रेट दैट सी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। तो उसने अपने एसेज में क्या बताना शुरू किया कि यस, ये जो मतलब मुझे जो चैटर बॉक्स या जैसे टॉकेटिव नेचर का जो एक तरीके से एक मुझे टाइटल मिला गया है, या टॉकेटिव मैं हूँ, तो वो किस रीजन से हूँ, क्योंकि ये मेरा एक गुण है जो मुझे इनहेरिट किया है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ही ज्यादा बातूनी है, बहुत ही ज्यादा बातें करती हैं, तो ये मेरा जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रहा है, और इसको मैंने, मुझे ये विरासत में मिली हुई, इस तरीके से विटी वे में अपने एसेज को वो लिखा करती थी, जो वो दिया करती थी कंप्लीट करने के बाद अपने मैथ्स प्रोफेसर को, और ये सब चीजें और उनको एनॉय करती थी और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। And not much could be done about it. और वो ये भी लिखा करती थी, विटी नेचर की बात हो रही है ना, विटफुल विट की बात हो रही है, तो वो ये भी लिखा करती थी कि इसके बारे में कुछ और किया नहीं जा सकता है, मीन्स क्योंकि ये मुझे विरासत में मिली है, मेरी माँ भी बात करती थी तो मैं भी बहुत बात करती हूँ, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं बदल नहीं सकता है, इसके अवज में कुछ किया नहीं जा सकता है, ऐसा वो अपने एसेज में एक्सप्लेन किया करती थी। ही केप्ट ऑन गिविंग हर एसेज अंटिल सी रोट अ सटायर। तो वो टीचर ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उसको इस ऐसी वियर्ड सब्जेक्ट्स पे मतलब वो दिया करते थे ऐसे, जब तक कि वो कुछ सटारिकल ना लिखा करती थी। आफ्टर दैट थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट मिस्टर किसिंग नेवर पॉइंटेड हर आउट फॉर टॉकिंग। आफ्टर थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट, जो थर्ड एंड लास्ट असाइनमेंट था उसका, उसके बाद भी मिस्टर किसिंग जो कोच कौन थे, मैथ के प्रोफेसर थे, जो उसको एसेज दिया करते थे वियर्ड टॉपिक्स पे, उन्होंने कभी उसको इसके बाद से, थर्ड असाइनमेंट्स के बाद में, वो उसका लास्ट असाइनमेंट था, और उसके बाद में कभी उसके टॉकेटिव नेचर पे पॉइंट आउट नहीं किया, ऐसा ये स्टोरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक ने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है, खुद शेयर करा हुआ है, तो ये स्टोरी की बात हुई है। चलिए अब हम एमसीक्यूज का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे स्क्रीन पे है, व्हाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एनी। She had never written anything before. She did not know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it later. Both A and C. तो यहाँ पे क्या था? Option D correct होगा. Both A and C is the correct answer. Diary का जो strange experience था कि she had never written anything before it, और neither she or nor anyone else would be interested in it later. And that's why ये diary जो लिखी थी उसका एक experience था, strange experience जो एनी का था। नेक्स्ट वन वी हैव टू नंबर सेकंड क्वेश्चन, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। मतलब किसको अलाउ किया था करती एनी जो थी, एनी फ्रैंक, वो अपनी डायरी पढ़ने के लिए किसको अलाउ करती, हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, अ रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, नो वन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, अगर वो मिलता कोई फ्रेंड, उसका कोई बहुत पास्ट फ्रेंड या रियल फ्रेंड बनता, तो उसको वो अलाउ करती कि यस यू कैन रीड माई डायरी वॉट एवर आई हैव रिटन। तो किसको, ना अपनी सिस्टर को अलाउ किया, ना अपने पेरेंट्स को अलाउ किया, और किसी और को भी अलाउ नहीं किया, एक रियल फ्रेंड को वो अलाउ करती अगर वो यहाँ पे
कोई उनका फ्रेंड बनता रियल इन फ्यूचर उनकी लाइफ में। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डस एनी वांट टू कीप डायरी, एनी क्यों डायरी लिखना चाहती थी या रखना चाहती थी। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, सी लव्स टू राइट, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट। तो क्या था, ऑप्शन ए करेक्ट था, बिकॉज उनकी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी चीजों को शेयर करती थी, कर सकती थी, शेयर हर इमोशंस एंड हर थॉट्स, एंड दैट्स व्हाई सी kept a diary and she wrote down everything related to her and her emotions, what she was feeling. और इसी वजह से, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो शेयर करती, इसीलिए उन्होंने डायरी रखना या डायरी लिखना स्टार्ट किया, डायरी रखने का मन बनाया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा नंबर थ्री क्वेश्चन का। नंबर फोर को देखते हैं, व्हाट डिड सी नेम हर डायरी, अपनी डायरी का उन्होंने नाम क्या दिया, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी है किटी इज द आंसर, तो ऑप्शन सी आंसर है फोर नंबर क्वेश्चन का। नंबर फाइव को देखते हैं, व्हाई डस शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन दी डायरी, अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने क्यों बताया अपनी डायरी में। मैं हमने बात कर ली है पहले ही, इसको डिस्कस कर लिया है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है, नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी ड्रोव राइट इन to introduce kitty to her family, who would forget facts about her family, she liked talking about her family. to option a correct hoga yahan pe, no one would understand if she drew right in, means agar koi isko padhta, is diary ko padhta, agar unko laga ki agar koi meri diary ko padhega to unko mere background, meri family ke bare mein nahi pata chalega, main kya hu uske bare mein nahi pata chalega, isliye ye easy to understand karne ke liye jo kuch jo koi bhi meri diary ko agar aage padhta hai to usko easy hoga understand karna, samajhna easy hoga ki main kya hu, kahan se hu aur kahan rehti hu, meri family ka background kya tha, मेरे फ्रेंड्स क्या थे, मेरा माइग्रेशन कहाँ हुआ था, ये सब चीजों को जानने के लिए और एक चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने रीडर्स को क्या किया कि यस, अगर कोई पढ़ता है तो उसे इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ब्रीफ स्केच दिया अपनी फैमिली के बारे में अपनी डायरी में। नेक्स्ट वन नंबर सिक्स, विच सब्जेक्ट वॉज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, देखिए सब्जेक्ट की बात हो रही है, उनके स्कूलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्कूलिंग में जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया अपने स्कूलिंग का, अपने स्कूल के बारे में बताया, अपनी जो एक पार्ट है अपनी स्टोरी में इस चैप्टर में, तो किस सब्जेक्ट से उनको डर था कि मैं श्योर है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मैथ साइंस इंग्लिश ऑल द अबव, तो ये था मैथ सब्जेक्ट जो उनके टीचर थे, क्योंकि वो उनको था कि टीचर उनसे छिड़ते हैं, टीचर्स को पसंद नहीं है एनी फ्रैंक का बात करने का बिहेवियर या बात करने का उनका जो इतना बात करती है, जो नेचर उनका पसंद नहीं है, इसलिए उनको डर था कि मुझे मैं शायद मैथ्स में पास ना हो। नेक्स्ट नंबर सेवन क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर, सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सी वाज टॉकेटिव, सी वाज रूड, या ऑल द अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, सी वाज टॉकेटिव, एनी फ्रैंक की बात हो रही है, एनी फ्रैंक वाज टॉकेटिव एंड दैट्स व्हाई मैथ्स टीचर वाज एनॉयड विद हर, ऑप्शन बी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर एट, विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, यहाँ पे है चैटर बॉक्स, एंड इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऑल द अबव, तो ऑप्शन वैसे डी यहाँ पे ऑल द अबव होगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स में, असाइनमेंट्स में, सभी चीजों पे उनको लिखना था, जो ऐसे लिखते थे अपने बारे में, इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, ये सभी थे, तो ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। नंबर नाइन की बात करते थे, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, रिटन इन स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब इंट्रोडक्शन में दे रही थी इस स्टोरी का, एनी फ्रैंक का, फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसके बारे में, तब वहां पे मैंने बताया था कि डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, एनी फ्रैंक ने इसको डच लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन हर एसेज, अपने एसेज में किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है एनी फ्रैंक ने कि मैं टॉकेटिव नेचर की हूँ, और उसको किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई एक तरीके से सिद्ध किया हुआ है। सी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट टॉपिक इन क्लास, इट इज अ हैबिट, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट,
ऑप्शन डी है, द क्लास इज बोरिंग. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि एक तरीके से टॉकेटिव नेचर को उन्होंने किस तरीके से जस्टिफाई किया है कि मुझे ये विरासत में मिली हुई है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ भी बात करती थी और वही चीज मुझे विरासत में मिली हुई है और इसी वजह से मैं भी बात करती हूँ, या कोई मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा इनहेरिटेड नेचर है या इनहेरिटेड एक तरीके से ट्रेट है जो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एंड आई एम वन ऑफ दैट. नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंडमदर, सी थिंग्स, सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेस हर, सी लेट हर बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, या ऑप्शन डी है बोथ वन एंड टू. ऑप्शन डी होगा करेक्ट, बोथ एंड टू, वन एंड टू यहाँ पे, मतलब सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर और सी मिसेस हर. वो जो थी एनी फ्रेंड जो थी वो बहुत प्यार करती थी अपनी ग्रैंड मदर को, और जबकि वो उनके बीच नहीं है, उनके एक्सपायर हो गई है, तो उनको बहुत मिस करती है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनके बारे में बहुत सोचती थी, एनी फ्रेंड के बारे में. तो एक जो उनकी क्लोजनेस थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ में, वो उसको मिस करती है. नंबर 11 के बाद 12 क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी थिंग सी वॉज लोनली, सी हैड नो फ्रेंड्स, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, सी वॉज ऑल अलोन, या सी वॉज एन इंट्रोवर्ट. तो यहाँ पे है सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो बहुत थे बट कोई रियल फ्रेंड्स नहीं था जो बहुत ही क्लोज उसके हो, और इसी वजह से वो लोनली फील करती है एनी फ्रेंड इस स्टोरी में. अगले बारे में बात करते हैं, नंबर 13, व्हाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स. जो उनके फ्रेंड्स थे एनी फ्रेंड के, जो उनसे इतनी क्लोज क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो सकी एनी फ्रेंड. आंसर करना है, सी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ एंड ऑल द अबव रीजंस. तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, शी कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट हर पर्सनल स्टफ, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से इतने क्लोज नहीं हो सकती थी, क्योंकि शी कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ, अपने आप को वो इस पोजिशन में, या अपने आप को इतना वो एक तरीके से कह लो आपकी इतना इजी या इतना नहीं फील करती थी, इतना एक तरीके से क्लोज नहीं फील करती थी कि अपने पर्सनल स्टफ को या पर्सनल चीजों को वो अपने फ्रेंड से शेयर कर सके, इसीलिए वो क्लोज नहीं हो पाई उन जो फ्रेंड्स उनके ऑलरेडी थे. अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, किस वजह से जो किड्स थे, जो बच्चे थे, बॉयज थे स्पेशली, उन्होंने बेट किया, एक तरीके से सट्टा लगाया क्लास में, क्या रीजन था उसका. हु इज मोर टॉकेटिव, ऑप्शन बी हु वुड पास द क्लास, ऑप्शन सी फुटबॉल मैचेस या बेसबॉल मैचेस. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि हु वुड पास द एग्जाम, किसके अच्छे मार्क्स आएंगे और कौन टॉप करेगा, कौन अच्छे से पास करेगा एग्जाम को, ये बेट लगाते थे, लगाया था बॉयज ने जो क्लास में थे. नंबर 15, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसेज, अ पोयम, अ जोक, अ पैराग्राफ या फनी पोयम. ऑप्शन डी, अ फनी पोयम सी रोट इन हर लास्ट एसे, जिसके बाद से उनके टीचर ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको ऐसे देना बंद कर दिया और उनकी टॉकेटिव नेचर के बारे में कभी भी बात नहीं की. वो थी कि लास्ट एसे में उन्होंने एक फनी पोयम को डिस्कस करा था. नंबर 16, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, 11th birthday, 12th birthday, 13th or 14th, इसके बारे में हमने बात की, आपको याद होगा, and the option is 13th birthday is the correct answer. जल्दी जल्दी से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अभी बहुत से चैप्टर्स बाकी हैं आपके KVS TGT के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, तो उन सब का स्टोरी और उनके क्वेश्चंस आंसर हम इसी चैनल इंग्लिश जोन पे डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो चैप्टर्स हम TGTs के पर्पस से यहाँ पे लेके आए हुए हैं उसके MCQs. तो नंबर 17 की तरफ चलते हैं, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, जो बुक उनकी पब्लिश हुई थी एनी फ्रैंक की, उसका नेम क्या था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक या एनी फ्रैंक्स डायरी. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. देखिए फ्रॉम द डायरी नहीं था, उस बुक का नेम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको बाद में दिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. जो ये चैप्टर आपकी क्लास में है, जो स्टोरी आपकी क्लास में है, इसको हम कह सकते हैं कि जो डायरी से लिया गया एक एक्सर्ट्स है, एक अंश है. तो बुक का नेम की बात करते हैं तो वो है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. नंबर 18 वी हैव, व्हाई डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन हर इन द डायरी एट द फर्स्ट, सी डिडंट वांट टू बी अ फॉर्मल, सी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, सी डिड नॉट लाइक द आइडिया, एंड ऑप्शन वन एंड टू इज द ऑप्शन. नंबर 3 डी है.
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, 1 एंड 2। व्हाई डिड सी नॉट वॉन्ट टू गिव अ ब्रीफ इन डायरी एट हर फर्स्ट, सी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फॉर्मल एज सी डिड ही वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, यही रीजन होगा, तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। नंबर 19, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि उसकी वन सिबलिंग थी, एक बहन थी, एक सिस्टर थी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वन की, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 20 वी हैव, व्हाट वाज एनी फ्रेंड्स फुल नेम, एनी फ्रेंड की फुल नेम आपको बताना है, एनिलिजी मैरी फ्रैंक या एना मैरियम फ्रैंक, एनी मार्क फ्रैंक या एनिलिजी मार्चिना फ्रैंक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एनिलीज मैरी फ्रैंक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नंबर 21, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, एनीज की फैमिली का एक ओनली सिर्फ एकमात्र सर्वाइवर जो लास्ट में बच गया था वो कौन था, एनी, एनीज फादर, एनीज मदर, एनीज सिस्टर, तो एनीज फादर वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि लास्ट में डायरी इनको ही दी गई थी जब मिली डायरी आफ्टर द डेथ ऑफ द एनी फ्रैंक, तो उसके फादर को ये डायरी सौंपी गई, तो हिज फादर वॉज द ओनली वन सर्वाइवर इन हर फैमिली। नंबर 22, वॉट वॉज द नेम ऑफ द एनी फ्रैंक सिस्टर, मार्गरेट, मार्गॉट, मैरी या मार्टिना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मार्गॉट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 23, वी हैव इन द स्क्रीन क्वेश्चन, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गॉट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, बर्लिन, एशम, म्यूनिक या बोन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एशन, ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 24, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन शी मैरिड हर मदर, ठीक है, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर, एनी के फादर की एज क्या थी जब उसने, उन्होंने एनी के मदर से शादी की, 34, 35, 36, 32, तो 36 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25, we have the question, on which date did Annie record the incident in Mr. Kissing's class in her diary? किस डेट का रिकॉर्ड था वो जब उन्होंने मिस्टर किसिंग की क्लास का जिक्र किया, उस इंसिडेंट का जिक्र किया जो मैथ्स के प्रोफेसर थे, उन कौन सा दिन था वो या कौन सी डेट थी वो, 12 जून 1942, 21 जून 1942, 28 जून 1942, 22 जून 1942, तो ये आपका है ऑप्शन सी, 20 जून 1942 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा आंसर को, इम्पोर्टेंट है, तो ये क्योंकि उसे 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी 1945 में, और ये 13 साल की थी उससे पहले, तो ये बात कर रहे हैं हम, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन, फिर से हमने इस बारे में बात की, ऑप्शन सी होगा, डच लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है, चूंकि एनी फ्रैंक की लैंग्वेज थी और उन्होंने इस लैंग्वेज में अपनी डायरी को लिखा हुआ है। 27 है, व्हाट नेम और हर बुक पब्लिश्ड विद, फिर से वही क्वेश्चन आया, नंबर 2 हमारा आंसर है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नंबर 28 की बात करें, एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1930, 1925, 1929, 1931, 1933, तो आंसर इज 1929 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन द ईयर हर फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड, 1920, 1929, 1931, 1933, किस ईयर में उसके फादर ने, उसके फादर और सब लोगों को इमिग्रेट किया गया हॉलैंड या नेदरलैंड की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी है 1933, यहाँ पे हम करेक्ट आंसर करेंगे 1933, ओके। 29 के बाद 30 है, एनी स्टडीज स्टिल स्टैंडर्ड इन हर फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड, 6th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड, यहाँ पे है 6th स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम 6th स्टैंडर्ड करेंगे, ठीक है। एनी 6th स्टैंडर्ड तक फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड के पढ़ी थी, जहां पे उसने स्कूलिंग करी थी, दैट वॉज द हॉलैंड स्कूल एंड दैट वॉज टिल द 6th स्टैंडर्ड, 6th क्लास तक। 31st भी है, मिसेस डॉश डैश वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनीज फर्स्ट स्कूल, जो हॉलैंड में स्कूल था एनी फ्रैंक का, उसकी मिस्ट्रेस का नेम बताना है, हेडमास्टर जो थी, सिंह, स्मिथ, कुपरस या है थॉमसन, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कुपरस इज द करेक्ट आंसर, शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ दैट स्कूल। 32nd है, देयर वॉज dash teachers in any school, 10 teachers, 7 teachers, 9 or 5, and obviously we have the answer option C,
नाइन टीचर्स, देयर वर नाइन टीचर्स. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जो कि हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से डिस्कस किया है. और क्लास आपको कैसी लगी प्लीज डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लास के बारे में, चैप्टर के बारे में जो है वो से रिलेटेड स्टोरी, उसकी समरी, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में. और एंड स्क्रीन पे आपको केवीएस का, टीजीटी इंग्लिश का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेलिस्ट, तो आप जरूर इसको वॉच आउट कर लीजिएगा. और इसके साथ साथ अदर्स वीडियोस जरूर देखिए यहाँ पे, ये आपका प्लेलिस्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप इसको वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप तुरंत अभी देख सकते हो. तो प्लीज डू चेक दिस क्लास प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो अदर वीडियोज जो कि आपके स्क्रीन पे मेंशन है. और चैनल पे जाओगे तो आपको इजिली वीडियो सेक्शन में आप जाकर के जो भी आपकी मनपसंद वीडियो हो वो आप देख सकते हो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत से वीडियोस को मैंने डाल रखा है, क्लास को डाल रखा है, ऑथर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एमसीक्यूज के फॉर्म में, साथ ही साथ टॉपिक वाइज, तो आप प्लीज उसको चेक करिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस.